दोस्तों आज आई है आपकी डंकी मूवी और उसके साथ साथ आई है आपकी एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम। लॉस्ट हम लोग देख के आए डंकी भी और एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम भी। तुम्हारे भाई ने की थी ऑफिस की छुट्टी, एज यूजुअल करनी पड़ती है यार, काम भी तो करना है। तो दोस्तों मैं गया था सबसे पहले कि डंकी देखने, उसके बाद गया था एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम देखने। डंकी का रिव्यू आ चुका है, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो और एक्वामैन का रिव्यू हम आपको करेंगे। मूवी आई है दोस्तों, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब थी और मेरा इतना गंदा पॉपर्ट हो गया वो क्या ही बताऊं यार। पूरे के पूरे फरीदाबाद के अंदर ना यार कहीं पे भी मेरे को कोई हिंदी शो नहीं मिला। मेरे को सिर्फ और सिर्फ हिंदी शो मिला तो जाके कहां पे क्राउन इंटीरियर है, वो भी सिर्फ एक शो था पूरी की पूरी मूवी का। मेरा थोड़ा एक दोस्त है, वो है मॉल वॉल में काम करता है, मैंने उससे पूछा मैं भाई क्या बात है, कैसे यार शोज वोज निकाल रहे हैं हिंदी के। उसने बोला भाई डंकी के हिंदी शोज की वजह से इन लोगों ने उसके शोज कम कर दिए, कम के एकदम हटाई दिए पूरे फरीदाबाद से। यार मेरा दिमाग खराब हो गया, ये क्या चल रहा है, मतलब कि डंकी को अप्रिशिएट करने के लिए इतना ज्यादा गिरा दिया बेचारी एक्वामैन को। बट कोई नहीं, अब करते हैं एक्वामैन की बात। एक्वामैन मूवी जो है यार वो इतनी भी ज्यादा कोई ग्रिपिंग नहीं है। जो सेकंड पार्ट आया है, जो उसका फर्स्ट पार्ट था वो ज्यादा ग्रिपिंग था, और ये जरूरत मुझे आपको नहीं है कि अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो फर्स्ट पार्ट देखना नेसेसरी है, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट से बिल्कुल मैच करती मूवी आ गया है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आ गया है। बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपकी मूवी को अलग कर दिया गया हो, कि बिल्कुल अलग ट्रैक पर चली गई हो, मूवी उसके आगे ही दिखाई गई है। मूवी क्या है दोस्तों, आपका क्या कि पार्ट वन के अंदर जितना कुत्ते की तरह उसने अपने भाई को मारता पीटता है और किंगडम से निकाल के फेंक देता है और खुद किंगडम के बैठ जाता है, पार्ट टू में अपने ही भाई को बचाने जाता है, उसकी जगह पे उसको लेके आता है, उसको पता चल जाता है कि मेरा दुश्मन बहुत ज्यादा हैवी है, मैं उसको ऐसे नहीं हरा सकता भाई की मदद के बिना, मेरे पर भाई की हेल्प चाहिए ही होगी। तो भाई जाता है, भाई का गिड़ा करता हुआ कि भाई मेरी हेल्प कर दे, आखिर भाई तो है ही, हेल्प तो करनी पड़ेगी। भाई उसको देगा धोखा या देगा उसका साथ, ये तो आपको दोस्तों मूवी देख के पता चलेगा, मैं स्पॉइलर नहीं देने वाला मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं मूवी के अंदर, मूवी में वो आगे जाते हैं, दोनों भाई वापस आते हैं, लड़ाई वड़ाई होती है, और इसके अंदर जो इसका पुराना जो एक विलन था इसको जिसके बाप को इसने मार दिया था वो वापस आ जाता है, उसको आ जाता है ब्लैक ट्राइडेंट। इसके बाद होता है गोल्डन, लेकिन जो ब्लैक ट्राइडेंट होता है वो गोल्डन वाले से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, तो उससे जीतने के लिए उसने भाई की हेल्प इसलिए चाहिए होती है, भाई को इसलिए जाता है क्योंकि उसका फायदा नहीं, वो उससे जीत नहीं पा रहा होता, तो इसलिए उसे अपने भाई को भाई की हेल्प लेनी पड़ती है अपने किंगडम को बचाने के लिए। तो दोस्तों वो जाता है वहां पे और अपने भाई की मदद लेता है। मूवी में दोस्तों बीच में जो आपके VFX है और जो एक्शन सीक्वेंस है बहुत बढ़िया है, इसके अंदर आपको बीच में एक मिड क्रेडिट सीन भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर दोस्तों सोच रहे हो पोस्ट क्रेडिट सीन देखने का तो बिल्कुल मत बैठना, उठ के निकल जाना, क्योंकि मैंने अपना टाइम बहुत खराब किया है, पूरे 10 मिनट तक तो वो सारे नाम आते रहते हैं ना सारे देखे मैंने, कहीं पोस्ट क्रेडिट सीन कहीं नहीं आया। उसका भी रीजन था क्यों नहीं आया, क्योंकि सब जानते हैं कि DCU जो है वो दोबारा से रिबिल्ड होने वाला है, तो उन्होंने सोचा कि यार पोस्ट क्रेडिट सीन देने कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन लोगों ने पोस्ट क्रेडिट सीन डाला ही नहीं इसके अंदर। अब आपकी मूवी के बारे में बताऊं तो यार मूवी मेरे को इतनी ज्यादा कोई अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जितनी मुझे पार्ट वन लगा था, पार्ट वन इसका बहुत बेहतरीन था, लेकिन पार्ट टू उसके सामने इतना अच्छा नहीं था। लेकिन एंड में सेकेंड पार्ट के अंदर जो 15 से 20 मिनट की फाइट है वो आपको पूरी तरह एंटरटेन करेगी। अगर फाइट देखने में आपको मजा आता है, मूवी से इतना मतलब नहीं है, आप स्टोरी पे तो नहीं जाते, आपको फाइट देखने में इतना मजा आता है तो आप जाके मूवी देख सकते हो। VFX BGM और फाइट आपको बहुत अच्छी देखने में मिलने वाली है। तो अभी तो और दोस्तों मैं इस वाली मूवी को दूंगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। अभी रिव्यू खत्म करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नए रिव्यू के लिए, बाय बाय।